तो कैसे आप सब, आप सबका स्वागत है अपना स्वीट सा यूट्यूब चैनल स्पीड लर्निंग में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पेन और कॉपी निकाल ले, चूहे को मारना बंद कर दे और अपने छोटे बहन से लड़ाई करना बंद कर दे और पापा का पैसा चोरी करना भी बंद कर दे। और हाँ, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसको हम डिटेलिंग के साथ आज जानेंगे और बिल्कुल ही आपका बिल्कुल ही एक भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है, बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा आपको, बिल्कुल ही थोड़ा भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहने वाला है पाइथागोरस थ्योरम को लेकर। पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस एक तो मैथमेटिशियन का नाम है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम है। जैसे साइंस में अगर कोई इन्वेंशन करता है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट है क्योंकि वो साइंस में कुछ इन्वेंशन इन्वेंट किया इसलिए उसको कहा जाता है साइंटिस्ट, उसी तरह से पाइथागोरस एक तो मैथमेटिशियन है क्योंकि इसने मैथ में इन्वेंशन किया है, इन्वेंट किया है, डिस्कवरी किया है, रिसर्च किया है। और पाइथागोरस तो समझ लिए कि एक मैथमेटिशियन का नाम है जिसने मैथ का आविष्कार किया। अच्छा, एक तो थ्योरम का आविष्कार किया। अच्छा, थ्योरम मतलब क्या होता है? थ्योरम मतलब होता है एक ऐसी बात जिसे आप झुठला नहीं सकते हैं। जैसे मैं आपको कह दूँ कि जैसे कोई आदमी हमसे पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो मैंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और वो आदमी क्या कहा, कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो वो हम उसको प्रूफ देंगे कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैंने निकाला, गूगल निकाला और बोला, गूगल माइक पे बोला, टिक टिक गूगल माइक बताओ कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गूगल ने कहा कि नरेंद्र मोदी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है। इस तरह उस आदमी को प्रूव हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी जो है भारत का प्रधानमंत्री है। उसी तरह जो मैंने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो तो स्टेटमेंट तो हो गया थ्योरम। जिस तरह मैंने गूगल निकाल कर सर्च करके उसको बताया कि उसको विश्वास दिलाया कि हाँ सच में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो उसको इस बात में विश्वास हो गया। इसीलिए थ्योरम एक स्टेटमेंट होता है जो बिल्कुल सही बात बताता है। और थ्योरम को अगर कोई आदमी विश्वास नहीं कर रहा है तो उसके लिए प्रूफ दिया जाता है, जिस तरह मैंने उसका प्रूफ बताया कि गूगल निकाल कर उसने भारत का प्रधानमंत्री को प्रूफ किया कि नरेंद्र मोदी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्राइंगल पर लागू होता है, जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल पर लागू होता है जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए एक कोई समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी। तो ए साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेस, उसके बाद ये हो जाएगी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, और ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर। इसको P देकर डिनोट करते हैं, इसको S देकर डिनोट करते हैं, इसे B देकर डिनोट करते हैं। जो पाइथागोरस साहब ने है, पाइथागोरस साहब ने क्या कहा कि ये तो चच्चा कौन है, कि ये कितना पुराना है मालूम है, हम लोग का बाप का दादा का जमाना का एकदम बहुत पुराना है, तो लगभग 800 BC में, इससे भी बहुत पुराना होगा उसका जन्म हुआ था, बहुत एकदम पुराना है ये तो थ्योरम, बहुत पुराना थ्योरम है। जैसे ये साहब ने क्या कहा, पाइथागोरस चचा ने क्या कहा कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का अगर स्क्वायर करेंगे, हाइपोटेनस एट हो ए सी क्या है, हाइपोटेनस है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। पाइथागोरस ने सिंपली यही बात कहा था कि अगर हम लोग हाइपोटेनस को स्क्वायर करेंगे ना, तो ये बराबर हो जाएगी परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर बराबर पी स्क्वायर और बेस बराबर बी स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस का थ्योरम। आप मैंने यह थ्योरम लिख दिया, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने यह थ्योरम लिख दिया, आप इस थ्योरम को नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, मैंने ऐसे करके लिख दिया कि हाँ ये पाइथागोरस का थ्योरम है, ऐसे ऐसे बता दिया,
आप अगर इसको नहीं मानेंगे उसके बाद मैं आपका इसको प्रूव करूंगा कि हाँ सच में पाइथागोरस का थ्योरम इतना हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। इसको प्रूव करना बहुत जरूरी है क्योंकि बिहार बोर्ड हो या बंगाल बोर्ड हो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रूफ में पूछता है 5 नंबर का, इसलिए हम लोग को इसको प्रूव करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग आप अपना खेला स्टार्ट करते हैं। तो खेला में होगा क्या, शायद वो छोड़कर चल गई यार, दिल बहुत क्या बोलता कि दिल बहुत नाजुक है। अरे हाँ मैं क्या पढ़ा रहा था, पाइथागोरस थ्योरम मैं पढ़ा रहा था, पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों स्कूल लाइफ ऐसा होती है यार, किसी की याद आ जाती है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। दोस्तों ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। अब एक बार क्या करेंगे, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ऐसे करके उठाएंगे, ऐसे करके यहाँ रखेंगे, देख लीजिए ऐसे करके पुचुक पुचुक ऐसे करके उठाएंगे यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। यहाँ से इसे ऐसे करके उठाएं, पुचुक पुचुक इतना बराबर क्या हो गया पी, और पुचुक इतना बराबर क्या हो गया बी। तो इसका नाम देते हैं ए बी, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड सी डी और ई। ये भी हाइपोटेनस हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, देखिए आप दिखा सकते हैं कि यह 90 डिग्री है, 90 डिग्री। CBSE भाला बोलेगा कि 90 डिग्री है, इस तरह बोलेगा, हो गया। आप देख सकते हैं मैं इसको बिल्कुल इजीली प्रूफ कर दूंगा, प्रूफ। इसको सिंपली यहां लिख लेता हूं, प्रूफ। इसको इस तरह फिगर आपको बना लेना है कि इस तरह किस तरह इसको फिगर बनाना है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। प्रूफ में क्या करना है कि ये किस तरह, ये जो है ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, ऐसे ऐसे करके ये किस तरह का फिगर है देख सकते हैं। यहाँ जो ये फिगर है, सिंपली ये जो फिगर है ये किस तरह का फिगर है, आप लोग ने इसको ट्रेपेजियम कहते हैं दोस्तों। अगर इसका अगर आपको एरिया निकालना हो किसी ट्रेपेजियम का, अगर एरिया निकालना हो, जैसे यहाँ पी है, यहाँ बी है, पी है बी है, ये अगर किसी ट्रेपेजियम का अगर आपको एरिया निकालना हो तो ये हाइट हो जाएगी ना। अगर आपको किसी ट्रेपेजियम का एरिया निकालना हो तो आपको क्या करता है कि एरिया अगर निकालना हो ट्रेपेजियम का, जो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है उसको जोड़ देते हैं, हाफ करके इसको जोड़ देते हैं और इनटू में जो हाइट होती है उसको लिख लेते हैं। यही फॉर्मूला है ट्रेपेजियम का, समझे, यही फॉर्मूला है ट्रेपेजियम का। अब याद रखिएगा कि दोनों जो पैरेलल लाइन होती है उसकी जो दोनों लंबाई होती है उसको जोड़ लेते हैं और इनटू जो यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होती है, हाइट होती है, इसको लिख लेते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। सिंपली आपको ये अच्छा से याद रखना है। उसी तरह अगर आप यहाँ देखेंगे, मैं यहाँ एरिया लिख रहा हूँ, उसी तरह अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लाइन और एठो लाइन पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है, तो सिंपली यहाँ हाफ हो जाएगा, पी प्लस बी हो जाएगा प्लस बी इंटू बी प्लस पी हो जाएगा, होगा। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी डी ई 1/2 पी प्लस बी होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं दोस्तों ये पी प्लस बी है, बी प्लस पी है, आप बी प्लस पी को क्या इस तरह नहीं लिख सकते हैं, जैसे देख लीजिए कि पी प्लस बी है, अब इसको बी प्लस पी भी तो लिख सकते हैं। उसी तरह मैंने यहाँ इसको पी प्लस बी लिख के पी प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया सिंपली। अब इसको मान लेंगे कि इक्वेशन 1 है,
देख रहे हैं ये इक्वेशन वन है। उसी तरह नाउ, अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली देखिए कि इसी का और एक बार लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस डी का एरिया लिखेंगे फिर एक बार। आप क्या लिखेंगे, आप छोटा छोटा करके लिखेंगे। आप यहाँ इस फिगर में ध्यान से देखिए कि ये जो फिगर है पूरा टू फिगर कैठो मतलब फिगर से मिलकर बना है। ये हो गया एक फिगर, ये पहला फिगर हो गया, ये दूसरा फिगर हो गया और ये तीसरा फिगर हो गया। ये तीन फिगर से मिलकर बना है। तो हम लोग को पहला फिगर का एरिया लिखने का, पहला फिगर का एरिया एरिया प्लस दूसरा फिगर का एरिया प्लस तीसरा फिगर का एरिया करना होगा हम लोग को। तीनों फिगर का एरिया अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा फिगर का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि ये फिगर जो है तीन फिगर से मिलकर बना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ सिंपली लिख सकते हैं ए बी डी ए इज इक्वल टू पहला फिगर ये है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस गुना हाइट। यहाँ बेस क्या है, बी है, हाइट क्या है, पी है पहला में, और दूसरा में क्या है, दूसरा फिगर बेस क्या है, पी है, हाइट क्या है, बी है। चलिए तीसरा फिगर क्या है, इसको भी हाफ करना है। हाफ करके क्या लिखना है कि ये हो गया हाइट और बेस दोनों बराबर है, सिंपली इस तरह लिख लेना है। अब इसको क्या करना है, इसको करना है ए प्लस बी प्लस डी प्लस ए सॉरी ए बी डी ए बराबर हो जाएगा, टू को यहाँ कॉमन ले लेना है, सिंपली बी पी हो जाएगा। फिर यहाँ बी पी लिख सकते हैं, यहाँ एच स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको आप और अच्छा से इजीली और एक बार कर सकते हैं सॉल्व, ए बी डी ए हाफ टू। अब बी पी जो है ना, अब पी बी भी लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं पी बी प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू दोनों एक इक्वल है, तो दोनों को इक्वल करेंगे। तो हम लोग यहाँ करते हैं इक्वेशन वन एंड इसको क्लीन कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन एक और दो से। सिंपली हम लोग लिखे दोनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं ए पी प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ टू पी बी प्लस एच स्क्वायर। तो इतना कट जाएगा, वन बाई टू कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, पी प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा, टू पी बी प्लस एच स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए, ये क्या ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला से नहीं आएगा, ध्यान से देखिए ना, ये क्या ए प्लस पी बी का फॉर्मूला से नहीं आएगा। ये सिंपली हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस टू पॉइंट पी पॉइंट नहीं सॉरी इनटू है यहाँ बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपली ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला से हम लोग किए हैं, टू पी बी प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी टू पी बी है और यहाँ भी टू पी बी है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर सिंपली हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था इतना कि एच ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह मैंने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया। आपको इसी तरह अगर आप बोर्ड के एग्जाम में लिख दिए तो आपको 5 नंबर एकदम रट्टा मार के ले लेंगे, आप 5 नंबर छीन के आपको आपका काट भी नहीं सकता है। तो आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में कुछ अच्छा से अच्छा एग्जाम्पल करेंगे, अब बिल्कुल ही आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है पाइथागोरस थ्योरम।
हम लोग जानते हैं कि आपका बहुत उत्सुक बन रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए, एग्जाम्पल करने के लिए। देख रहे हैं, लीजिए एग्जाम्पल लीजिए आप, आपको ट्राई करना है एग्जाम्पल खुद। बोला कि फाइंड हाइपोटेनस फ्रॉम द फिगर, फाइंड हाइपोटेनस फ्रॉम द फिगर। फिगर दे दीजिए भैया, फिगर मैंने यहाँ दे दिया, ए प्लस ए बी सी, यहाँ 4 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर, और बोला कि हाइपोटेनस क्या होगा। तो सिंपली ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। हाइपोटेनस हम लोग को निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस को अगर हम लोग सिंपली, आपको एक तो चीज़ और मैं अच्छा से बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वाई कोई नंबर है, अगर स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो क्या होता है मालूम है, ये रूट में हो जाता है, उधर रूट में हो जाता है। फिर इसको अगर उल्टा करेंगे तो इधर इधर लाएंगे, अगर स्क्वायर को रूट को इधर लाएंगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, इसको आपको याद करके रखना है। तो हाइपोटेनस में स्क्वायर है तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ सिंपली पी और बी का मान बैठाने पर पी का मान कितना है 3 स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 4 स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर 9 प्लस 16 कितना होगा 25 को सॉल्व करने पर 5 × 5 रूट में दो, ऐसे करके दो अगर रहे तो एक को उतार लेना है, अब रूट को सॉल्व करना है, यही तरीका है, समझे। इस तरह आपका हाइपोटेनस में एक क्वेश्चन हो गया। मैंने अब दूसरा क्वेश्चन क्या लेंगे कि फिगर यही रहने देते हैं, मेरा मेहनत नहीं है आपका मेहनत है, बेस फाइन बेस, अब बेस को निकालना है आपको, अब यहाँ बेस को निकालना है। जैसे यहाँ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ दे दिया है 20 सेंटीमीटर, अब बोले कि बेस को फाइन करो, फिगर से बेस को फाइन करो। तो हम लोग सिंपली पाइथागोरस का थ्योरम लिख लेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ बी है, तो पी को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि इधर लाते हैं तो इक्वल साइन के इधर लाते हैं तो माइनस हो जाता है, हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का मान रखने पर, हाइपोटेनस का मान कितना है 20 स्क्वायर और परपेंडिकुलर का मान है 10 स्क्वायर बराबर। आप इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1400, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, 400 और यह 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो क्या हो जाएगा घटेगा तो 300 हो जाएगा। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर रूट में चला आएगा, इतना हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह लिख सकते 3 × 100 लिख सकते हैं, इसको तोड़ते जाना है, जो जो डबल डबल है उसमें से एक ठो उतार देना है। देखिए इधर क्या है कि 10 तो दो बार आया है इसलिए 10 एक ठो बाहर आएगा, लेकिन 3 बाहर नहीं आया क्योंकि 3 दो बार नहीं आया है। इस तरह बेस कितना हो जाएगी, इतना सेंटीमीटर हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम पाइथागोरस थ्योरम में डेंजर पकड़ हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।